बच्चों नीट टू थाउजेंड थ्री का हम लोग पी सॉल्व कर रहे थे और जैसा मैंने कहा था कि एक एक साल के पी को हम लोग दो तीन पार्ट्स में करेंगे पार्ट्स में करने का वजह यह था कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी पढ़ते समझते चलेंगे तो एक टाइप का तुम्हारा ये पी प्लस क्रैश कोर्स की तरह होगा तो इसके पहले हम लोगों ने पार्ट वन किया था पार्ट वन में हम लोग वन टू इलेवन क्वेश्चन को अच्छे से कर लिए थे उसके एक्सप्लेनेशन सोलूशन और उससे जुड़े जो भी कॉन्सेप्ट थे वो क्वेश्चन तो था ही उस कॉन्सेप्ट से उस टॉपिक से उस फॉर्मूले से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके आधार पे हम लोगों ने उस पूरी चीज़ को समझा भी था इसलिए हम लोग इस पूरे ईयर को एक पार्ट में कंप्लीट नहीं करेंगे समझते चलेंगे ताकि हमको इस पी का फ़ायदा भी हो ठीक है यही एक बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो प्रीवियस ईयर्स के हैं उस टॉपिक को समझो और देखो कि सॉल्व कितने क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग तरीके के क्या क्वेश्चन आए हैं एग्जामिशन में और हम उसको कर सकते हैं कि नहीं तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे नीट टू के पी का आज पार्ट टू हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन मन से शुरू करेंगे और जैसा बताया गया फर्स्ट पार्ट में जो भी चीज़ें तुमको समझाई गई हैं उसको फॉलो करो उसको देखो और उसके हिसाब से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ रिजल्ट हमारे फीवर में बिल्कुल आएगा ठीक है चलो तो शुरू करेंगे पार्ट टू जिसमें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ देखते हैं हमसे क्या कहता है क्वेश्चन ट्वेल्थ कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज माइनस फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड अच्छी बात है टू वॉट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड अब इसको कितने और टेम्परेचर तक गर्म किया जाए इनिशियल तो माइनस फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड है ये द आर स्पीड इंक्रीज बाय थ्री टाइम्स जो उसकी आरएमएस वेलोसिटी है वो थ्री टाइम्स इंक्रीज कर जाए अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है क्लास इलेवेंथ पार्ट वन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आ, <coughs> अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया बच्चों चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं क्लास एलेवेंथ फिजिक्स में काइटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के वहीं से आर एम वेलोसिटी की गैस के आर स्पीड की जो बात होती है वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है और जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें कहा भी जाता है कि भाई देखो आर एम वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन देखो आना लगभग कंफर्म है के से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा और वो क्वेश्चन आर एम वेलोसिटी से जुड़ा होगा इसका भी चांस बहुत है तो कह रहा है किसी का इसका इनिशियल टेम्परेचर माइनस फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड है इनिशियल टेम्परेचर है इसको कितना और गर्म करें कि आर एम इसकी पहले की थ्री टाइम्स हो जाए अब आर एम और टेम्परेचर का रिलेशन हमको देखना होगा तो आर एम इतनी फेमस वेलोसिटी है कि इसका सारे बच्चों को पता होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आर टी बाई एम नॉट ठीक है आर इज गैस कॉन्स्टेंट टी टेम्परेचर है कैलविन में एम नॉट उस गैस का मॉलिकुलर मास है जिस जिस गैस की बात हम लोग कर रहे हैं तो गैस तो फिक्स है गैस तो सेम ही यहाँ पर गैस तो चेंज नहीं कर रही है तो एम नॉट इज अगेन कॉन्स्टेंट तो वी आर एम एस का रिलेशन सीधे अगर टेम्परेचर से देखा जाए तो वी आर एम एस इज प्रपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर टी कह सकते हैं या वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी वन बाई टी टू ये टी वन टी टू एप्सोलूट टेम्परेचर है कैलविन में इसको यूज करना है ठीक है तो टी वन वी वन इज वी और वी टू इज थ्री वी बाई तिमोना करना है सिंपल yes, सी बात है यार टी स्क्वायर रूट में है तो टी को कितना गुना करे कि बिल टी तीन गुना हो जाए बे यहाँ यहां से कह सकता हूँ वी प्रोपोर्शनल टू रूट टी तो टी को कितना गुना करे कि वी तीन गुना हो जाए जाहिर सी बात सिंपल नौ गुना जब यहाँ नाइन होगा तभी तो बाहर निकल के थ्री आएगा तो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी के प्रोपोर्शनल है तो अगर टेम्परेचर को नौ गुना करोगे तब जाकर तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगा वेलोसिटी क्या होगा तीन गुना होगा यहां से भी कर सकते हो T1 वन इज फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टू सेवेंटी भी ऐड कर दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा ये इट विल बी 323 ट्वेंटी कैलवी ठीक है एक तो ये हो गया देन T2 हमको फाइंड करना है सिंपल हाँ बस ध्यान रहे कि भाई जो टेम्परेचर है वो कैलविन में ही हमको यूज़ करना चाहिए ठीक है तो पुट कर दे वैल्यू तो क्या मिल जाएगा वन बाई थ्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी वन इज थ्री ट्वेंटी थ्री एंड टी टू इज दिस मच अब दो तब स्क्वायर कर दो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा वन बाई नाइन इज इक्वल टू थ्री ट्वेंटी थ्री बाई टी टू अब यहाँ सॉल्व करके टी टू फाइंड कर लो यहाँ से कैलविन में आएगा चेक कर लो सेंटीग्रेड से मैच करता है सेंटीग्रेड में चेंज कर लो टू सेवेंटी थी माइनस करके ठीक है तो इसका आंसर कैलकुलेशन सभी लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है ठीक क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था इस फॉर्मूले को जहन में कैद कर लो रिलेशन निहायत ही इंपॉर्टेंट है वी आर एम एस प्रपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर किसी भी गैस की आर एम एस फिलोसिटी उसके एप्सलूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के प्रपोशनल होती है तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व चलेंगे थर्टीन की तरफ डू इट फर्स्ट अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कैनमेटिक्स में जब तुमको मैंने कैनमेटिक्स में मैं डायमेंशन पढ़ाया था और चेंज इन वेलोसिटी निकालना सिखाया था तो इस टाइप के क्वेश्चन पे न जाने कितने क्वेश्चन सोल्व किया था लोगों ने जिन बच्चों ने लेक्चर्स देखे होंगे उनको पता होगा इस क्वेश्चन को तो कैसे सेकेंड्स में सॉल्व करते हैं तो इसलिए जो भी कैनामेटिक्स चैप्टर में मैंने पढ़ा है वो जाके थोरोली रिवाइज करो यू से मेजरमेंट कैनामेटिक्स सारे क्वेश्चन जो भी तुमको यहाँ पर आएंगे वो सब तुमको वहाँ से मिलेंगे अब जैसे ये क्वेश्चन है ना जाने कितने क्वेश्चन इस पर हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं ठीक है, है? एग्जाम में फिर से कर देखते हैं चलो तो कह है कि अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड एक फुटबॉल प्लेयर है जो साउथ की तरफ जा रहा है और सडनली फिर ईस्ट की तरफ वो मुड़ जाता है तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूरा होता है इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है केवल फिगर के हेल्प से सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो पहले फिगर बना के समझते हैं कि वो प्लेयर ऑब्जेक्ट जो भी कह लो किधर जा रहा था और कहाँ टर्न किया ठीक है चलो तो सबसे पहले अगर डायरेक्शन बना दिया जाए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से तो ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ठीक है तो फुटबॉल प्लेयर जो है वो साउथ की तरफ जा रहा है कुछ इस तरीके से तो ये हो गया उसका प्रिंट एक्शन दिखा दूं कहा जा रहा है कैसे टन करेगा ठीक है थीके? ये उसका इनिशियल वेलोसिटी है वन। साउथ की तरफ जा रहा है ठीक है मूविंग साउथ वर्ड वो लिखा है मूविंग द फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथ वर्ड एंड सडनली टर्स ईस्टवर्ड और कुछ देर बाद वो ईस्ट की तरफ वो टर्न कर जाता है ठीक है तो साउथ ये है ईस्ट ये है तो दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट ठीक है सडनली टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट विथ सेम स्पीड स्पीड उसकी सेम है टू अवॉइड एन अपोनेंट किसी अपोनेंट से बचने के लिए देख, देखते उन्हें ऐसे दौड़ रहा है सामने कोई आ गया उससे बचना है फिर से मुड़ गया द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग इज उस प्लेयर पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन मुझको पूछा है क्या होगा फोर्स का डायरेक्शन पूछा फोर्स का वैल्यू नहीं सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन कोई कैलकुलेशन नहीं है बस फोर्स का डायरेक्शन हमें बताना है कि उस प्लेयर पे फोर्स किधर लगा होगा कि वो साउथ से ईस्ट में टर्न कर गया तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू टू एक्सलेशन तो फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो कि एक्सेशन का होता है तो अगर फोर्स का डायरेक्शन हमको पता करना है तो हम पता ये करेंगे कि पार्टिकल में एक्सलेशन किस डायरेक्शन में है और एक्सलेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और एक्सेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर होता है तो फोर्स का डायरेक्शन ए के बराबर है ए का डायरेक्शन डेल्टा बी के बराबर है, है तो हमको कुल मिला करके पता करना है वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज वी टू माइनस वी हमको पता करना है कि वी इ वी टू इवेंट का जो डिफरेंस है उसका क्या डायरेक्शन है तो दो वेक्टर को सब्रेक्ट करने का तरीका तुमको मैंने बताया था दो तरीका बताया था बहुत सिंपल तरीका इसी पर कितना क्वेश्चन किया हम लोगों ने उसी का बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में अभी किया तो जो भी इस चैनल पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे एकदम टू द पॉइंट होंगे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे ठीक है तुम देखोगे तुमको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे जहाँ हम लोग करें अब दो वेक्टर को मुझको सपरेट करना है और उनका डायरेक्शन निकाल लेना है मिल जाएगा आंसर तो दो वेक्टर को सेपरेट करने के लिए क्या किया कि पहले V1 को ड्रॉ कर लिया साउथ दिश साउथवर्ड उसी पॉइंट से V2 को ड्रा कर लिया ईस्टवर्ड और फिर वी टू से वी वन को मिला दिया और मुझको फाइंड करना है वी टू माइनस वी वन तो एरो लगाते थे वी वन के हेड से वी टू के हेड की तरफ ये यही है तुम्हारा डेल्टा वी दैट इज वी टू माइनस वी वन बताया था ना कि अगर मुझको फाइंड करना होगा वी टू माइनस वी वन तो एरो लगाएंगे वी वन से वी टू की तरफ तो वी वन के हेड से वी टू के हेड की तरफ अब मुझे इसका डायरेक्शन निकालना है कैसे होगा देखो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दू मैंजेंटल और यहां पे एक में कर दूं, वर्टिकल अब यही डायरेक्शन तुम्हारा देखो ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये साउथ की तरफ है तो यही डायरेक्शन हमने फिट कर दिया अब देख लो अब ये एरो जो है वो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है। और चूंकि दोनों स्पीड सेम है लिखा है क्वेश्चन में विद द सेम स्पीड तो सेम स्पीड होने के नाते ये जो रिजल्टेंट है वो एकदम बीच से पास करेगा किसके बीच से नॉर्थ और ईस्ट के बीच से तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर पे है एलोंग नॉर्थ ईस्ट फोर्थ ऑप्शन है तो दिस इज योर राइट आंसर तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उस पर लगने वाला फोर्स होगा उसका एक्सेशन होगा और उसके वेलोसिटी में चेंज भी का डायक्शन भी यही होगा ठीक है तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत क्वेश्चन के इस पर जिनको इस क्वेश्चन देखना हो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा जाके देखना उसको खूब ढेर सा क्वेश्चन देखना इस पर और भी अलग अलग तरीके से बदल बदले क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है वो भी देख लेना ताकि आए तो बचने ना पाए वो ठीक है चलेंगे फोटीन की तरफ टू इट फास्ट फोर्टीन क्वेश्चन मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट टॉपिक है ऑर्गन पाइप वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया गया है ऑर्गन पाइप क्वेश्चन सॉल्व करें बहुत मज़ा आता है बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ठीक है तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे करेंगे कुछ इसमें एक एक दो चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट को बहुत परेशान करती है उस चीज़ को भी तुमको बताऊँगा और वह चीज़ अगर क्लियर कर लिया तो फिर जो भी क्वेश्चन इसका आएगा वो तुरंत सॉल्व कर लोगे थोड़ा तो सा बस एक जगह कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को निकाल के तुमको उसको बताना है मुझको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या द रेशियो ऑफ ऑफ़ फंडामेंटल हारमोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन ऑर्गन पाइप टू दैट ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होता है फंडामेंटल हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी उनका मुझको रेशो निकालना है इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में होता क्या देखो <coughs> एक ऑर्गन पाइप से म्यूजिक प्रोड्यूस होती है साउंड निकलता है अब ये दो टाइप का होता है एक क्लोज्ड और एक ओपन तो क्लोज ऑर्गन पाइप वो ऑर्गन पाइप होता है जो एक एंड पर क्लोज होता है और एक एंड पर ओपन होता है और ओपन ऑर्गेन पाइप वो ऑर्गेन पाइप है जो दोनों ही एंड पर ओपन होता है इस ऑर्गेन पाइप को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ का साउंड प्रोड्यूस करते हैं ठीक है उन्हीं प्रोड्यूस्ड साउंड की कुछ फ्रिक्वेंसीज होती है जो फिक्स होती है वो इसकी लेंथ पर डिपेंड करता है कि कोई ऑर्गेन पाइप कितने फ्रिक्वेंसी का साउंड इमिट कर सकता है दैट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ स्पीड ऑफ साउंड पर भी डिपेंड करेगा मगर इसकी लेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तो हम जो ही चाहे वो फ्रीक्वेंसी किसी ऑर्गन पाइप हमको नहीं मिल सकती एक सर्टिन फ्रिक्वेंसीज के ही ये साउंड एमिट कर सकता है द कीवे ऑर्गन पाइप जो उसके लेंथ पर बहुत हद तक अच्छे से डिपेंड करता है तो अब जैसे मान लो मैंने कहा कि ये क्लोज ऑर्गन पाइप है तो इसमें जो फंडामेंटल साउंड या फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है उसका वेव फिगर कुछ ऐसे बनता है जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो एंटी नोट जहाँ पर जीरो है वो नोट क्लोज पर हमेशा नोट बनेगा ओपन पे हमेशा एंटी नोट बनेगा और कुछ इस तरीके से यहाँ भी होगा ये ओपन ऑर्गन पाइप के जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूसड होगी उसका ये फिगर है हियर इज एंटी नोड नोड और एंटी नोट देखो मुझे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है उससे जुड़े हुए तुम्हें कहानी भी बतानी है ताकि वो क्वेश्चन तो आई है उसके अलावा भी कुछ है तो वो भी कर लो और ये भी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो याद रखना कि एक नोड और नेक्स्ट एक एंटी नोड और नेक्स्ट नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा लेमडा बाई फोर होता है जहां लेमडा उसका वेवलेंथ है तो अब ये जो क्लोज और ओपन है ना इससे अलग अलग फ्रिक्वेंसी की साउंड हमको मिलती है उनका नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले क्लोज की बात करते हैं तो क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या क्या फ्रिक्वेंसी हमको मिल सकती है उसको देखते हैं पहले सबसे पहली फ्रिक्वेंसी मिलती है वी बाई फोर एल दूसरी होती है थ्री वी बाई फोर एल तीसरी होती है फाइव वी बाई फोर एल चौथी होती है सेवन वी बाई फोर एल एंड सो ऑन यही फ्रिक्वेंसीज हैं जो ये क्लोज ऑर्गेन पाइप एमिट कर सकता है इनके अलावा और कोई फ्रिक्वेंसी ये क्लोज ऑर्गन पाइप एमिट नहीं करेगा ठीक है जहाँ वी क्या है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और एल है इस ऑर्गन पाइप की लेंथ ठीक है पहले पूरा कहानी और समझो अब इनका नाम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखो दो तीन चीज यहां समझो सबसे पहली बात कि यहां जो फ्रीकुन्सी का रेशियो है वन इज टू थ्री इज टू फाइव इज टू सेवन है एंड सो वन है ठीक है तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी वो यह वो ये ध्यान रखनी है कि क्लोज ऑर्गेन पाइप से हमें सिर्फ और सिर्फ सिर्फ हार्मोनिक हारमोनिक ही मिल सकते हैं इवन हारमोनिक इसमें एबसेंट होता है हारमोनिक का मतलब फंडामेंटल का मल्टीपल जैसे ये जो पहली फ्रिक्वेंसी है जो सबसे छोटी फ्रिक्वेंसी होती है किसी ऑर्गन पाइप से उसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी उसी के बाद यहाँ पे कह रहा था कि भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताओ अभी दो डाउट पे आ जाएगा ठीक है पहले बात को समझो तो ये हो गया बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बाय क्लोज ऑर्गन पाइप जो अगला फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल का तीन गुना है तो इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक इसको बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक इसको बोलते हैं सेवंथ हार्मोनिक तो इसमें हारमोनिक एबसेंट होते हैं सिर्फ ऑड हारमोनिक मिलेंगे जैसे बोल दिया कि फाइंड इलेवेंथ हारमोनिक इन क्लोज ऑर्गेन पाइप तो फंडामेंटल का से मल्टीप्लाई कर देना तो अगर तुमको चीज पता है उसका मतलब क्या है तो कोई दिक्कत नहीं है बोलता है कि क्लोज ऑर्गेन पाइप की थर्टीन हारमोनिक तो थर्टीन टाइम्स ऑफ फंडामेंटल हारमोनिक का मल्टीपल से होता है किसका मल्टीपल फंडामेंटल का बोलता है सिक्स हार्मोनिक इन क्लोज ऑर्गेन पाइम तो भैया सिक्स हार्मोनिक है नहीं इसमें फिफ्थ होगा सेवेंथ होगा सिक्स नहीं होगा क्योंकि केवल ऑड हार्मोनिक है इवन नहीं है तो ये हो गया फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक सेवेंथ हार्मोनिक एंड ऑन so ठीक है एक दूसरा नाम जो होता है वो ओवरटोन होता है ओवरटोन की शुरुआत फंडामेंटल के बाद से होती है तो ये तुम जो देख रहे हो ये वाला ये तो फंडामेंटल हो गया ये वाला सेकेंड ओवर टोन कहलाता है सेकेंड ओवरटोन वाला कहलाएगा तुम्हारा थर्ड ओवर टोन एंड ऑन so तो फंडामेंटल के बाद ये थर्ड हार्मोनिक ये फिफ्थ हार्मोनिक ये सेवेंथ हार्मोनिक एंड सो ऑन या ओवरटोन के टर्म से बात करोगे तो फंडामेंटल के बाद सेकेंड ओवरटोन थर्ड ओवरटोन फोर्थ ओवरटोन एंड तो ओवरटोन क्या होता है फंडामेंटल के बाद से शुरू होता है एक दो तीन करते करते तो ये नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अब तुमको कि सर सर शुरुआत का तो पता हो गया लेकिन बहुत आगे का बोल दिया जैसे ट्वेंटी सेवेंथ ओवरटोन तो कैसे निकालेंगे एक तुमको फॉर्मूला बताते हैं इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ एमथर एम्थर का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर ये सेकंड ऑर्डर ये थर्ड ऑर्डर ये फोर्थ एंड सो ऑन तो उसका फॉर्मूला होगा 2m-1 v वन वी देखो अगर हार्मोनिक बोलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जैसे नाइन्थ हार्मोनिक तो फंडामेंटल का नौ गुना इलेवेंथ हार्मोनिक फंडामेंटल के इलेवन गुना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ओवरटोन बोल दिया जैसे बोल दिया ट्वेंटी सेवेंथ ओवरटोन तो ओवरटोन देखो यहाँ से स्टार्ट होता है तो जो ट्वेंटी सेवेंथ ओवरटोन होगा वो ट्वेंटी एट ऑर्डर होगा ट्वेंटी एट ऑर्डर क्यों होगा क्योंकि ऑर्डर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये फर्स्ट ओवरटोन है मगर ऑर्डर सेकेंड है ये थर्ड ये सेकंड ओवर टोन है मगर ऑर्डर एक दो तीन है ये थर्ड ओवर टोन है मगर एक दो तीन चार चौथे ऑर्डर का है तो ऑर्डर हमेशा भी ज़्यादा होगा तो बोलते हैं ट्वेंटी सेवेंथ ओवर टोन तो ट्वेंटी सेवेंथ ओवर टोन का मतलब ट्वेंटी एट्थ ऑर्डर तो यहाँ पे एम क्यू तुमको क्या पुट करनी पड़ेगी ट्वेंटी एट रख के निकाल लोगे ट्वेंटी एट टू जा फिफ्टी सिक्स माइनस वन किया तो फिफ्टी फाइव तो 55 फाइव बी बाई फोर एल का मतलब कि जो ट्वेंटी सेवेंथ ओवरटोन है वो फिफ्टी फिफ्थ हारमोनिक भी होगा फंडामेंटल का पचपन गुना होगा तो फिफ्टी फिफ्थ हारमोनिक भी हो जाएगा तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान से समझना कि किसका मतलब क्या होता है तो ये तो हो गया तुम्हारा एक क्लोज ऑर्गेन पाइप की बात अब अगर इसमें ओपन ऑर्गन पाइप की बात किया जाए तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या क्या मिलती है v बाई टू एल टू वी बाई टू एल थ्री वी बाई टू एल फोर वी बाई टू एल एंड सो मतलब अगर इसमें रेशो निकालो तो वन इज टू टू इज टू थ्री इज टू फोर एंड सो तो इसमें तुम क्या देख रहे हो कि इसमें इवेन प्लस ऑड दोनों हार्मोनिक प्रेजेंट है तो ओपन ऑर्गेन पाइप में इवेन और ऑड दोनों हार्मोनिक हमको मिलते हैं जबकि यहाँ पर केवल ऑड मिलते हैं और हार्मोनिक का नाम तुमको पता ही है सेकेंड हार्मोनिक फंडामेंटल का डबल है थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक फिफ्थ सिक्स्थ एंड सो ऑन और ओअर टोन क्या होगा फर्स्ट ओवर टोन सेकेंड ओवर टोन थर्ड ओवर टोन एंड सो ऑन. तो यहां पर अगर मुझको निकालना हुआ वॉट इज एम्थ ऑर्डर फ्रिक्वेंसी ऑर्डर यहां से काउंट होगा एक दो तीन एंड सो so तो एम्थ ऑर्डर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी एम इंटू वी बाई टू अब जैसे बोल दिया कि इलेवेंथ ओवर टोन तो इलेवेंथ ओवरटोन क्या होगा ट्वेल्थ ऑर्डर होगा तो ट्वेल्थ यहाँ पुट कर दोगे ट्वेल्थ हारमोनिक भी होगा तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वही हारमोनिक भी होगा जैसे बोल दिया थर्टींथ ऑर्डर तो थर्टींथ हारमोनिक होगा और इसका तेरह गुना होगा और जो थर्टींथ हारमोनिक होगा जो थर्टींथ ऑर्डर होगा वो ट्वेल्थ ओवरटोन होगा ओवरटोन हमेशा कम होगा क्योंकि इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है तो ये हो गया तुम्हारा फंडामेंटल और उसके बाद तुम्हारे ये सारे क्या हो गए हारमोनिक्स तो ये एक क्लोज और ये एक ओपन ऑर्गेन पाइप की कहानी है ये जो दो तुमको लिखा मैंने v बाई फोर एल और v बाई टू एल इनको बोलते हो फंडामेंटल हारमोनिक या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी तो इन्हीं का तुमसे रेशो पूछा गया था फाइंड द रेशो ऑफ ओपन ऑर्गेन पाइप एंड क्लोज और एक बात का ध्यान रखना रेशो निकालते वक्त जिसका नाम पहले लिया है वो पहले आएगा ऐसे छोटी छोटी ध्यान रखना कि टू एस टू में गलती हो जाएगी तो ओपन टू क्लोज का रेशो क्या होगा ओपन <laughs> की फ्रिक्वेंसी वी बाई टू एल क्लोज की फ्रिक्वेंसी वी बाई फोर एल v बाई फोर एल डिवाइड कर दिया एल सेल काटा तो फोर बाई टू दैट इज टू इज टू वन टू इज टू वन इज योर आंसर सिंपल सा है तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था लेकिन ये जो कहानी मैंने बताई है ठीक है इसको धारेक्टा इससे क्वेश्चन बहुत आएंगे ठीक है कि हारमोनिक का मतलब क्या होता है तो फंडामेंटल का जितना गुना होगा उतना हारमोनिक कहलाएगा इससे कहेंगे फोर्थ हारमोनिक फंडामेंटल का चार गुना है इसे कहेंगे सेवेंथ हार्मोनिक फंडामेंटल का सेवेंथ गुना है और इन दो फॉर्मूले को भी याद रखना जिससे एमथ ऑर्डर का फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड कर सकें चलेंगे फिफ्टीन की तरफ डू इट फर्स्ट चलो तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो सर्कुलर मोशन से है सर्कुलर मोशन या रोटेशन मोशन भी कह सकते हो एंगुलर एक्सेशन के डायरेक्शन की बात हो रही है कि एंगुलर एक्सलेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग एलोंग द सर्कम फरेंस ऑफ अ सर्कल इज कोई एक बॉडी है जो किसी सर्कल के सर्कम फरेंस से मूव कर रहा है ये सर्कल मोशन कर रहा है तो उसके एंगुलर एक्सलेशन का डायरेक्शन क्या होता है ठीक है सिर्फ डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे पूरे कहानी को समझेंगे है क्या ये चलो देखो तो सबसे पहले कि मान लो दो सर्कुलर मोशन हम लोग तो आज सामने मैं तुमको दिखाता हूँ ठीक है भाई दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉक होगा तीसरा कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है तो दूसरा मोशन जो है वो मैं कुछ इस टाइप से दिखा देता हूँ फिगर में ही पूरी बात उनको समझनी है तो फिगर बहुत अच्छे से और क्लियर है ठीक है तो मान लो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन पे सर्कुलर पाथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है और दूसरा पार्टिकल जो है वो मान लो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से चल रहा है ठीक है एंगुलर एक्सलेशन एक्चुअल में होता क्या है तो एंगुलर एक्सलेशन की जब बात आती है तो एंगुलर एक्सलेशन अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम होता है ठीक है डी ओमेगा बाई डी टी तो एंगुलर एक्सेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम तो अगर हमें अल्फा का डाइक्शन चाहिए तो हमको चेंज इन ओमेगा का डाइशन पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी में चेंज का डाइक्शन क्या है और जब एंगुलर एक्सेशन में चेंज होगा तभी तो अल्फ़ा आएगा अगर ओमेगा कॉन्स्टेंट है अल्फा ज़ीरो हो जाएगा तो किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वहां पे एंगुलर एक्सेशन कम उसी एंगुलर एक्सेशन का हमको डायरेक्शन निकालना है। पहले एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन समझते क्या होता है सबसे पहले किसी भी सर्कुलर मोशन में चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा का डायरेक्शन जो सर्कल का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है अगर सर्किल का प्लेन में यू बना रहा हूं तो ओमेगा का डायरेक्शन प्लेन के क्या होगा परपेंडिकुलर अगर सर्किल में यू बना रहा हूं ऐसे जैसे बोर्ड पे बोर्ड पर दिखा दिखा अगर ऐसे बनाऊंगा तो मेगा क्या होगा सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर तो यू सर्किल में ऐसे बनाया है दोनों तो, तो ओमेगा डायरेक्शन क्या होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर विल बी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा उसमें भी कहानी है अगर तुमको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है पार्टिकल का जो मोशन है उसका सेंस एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो ऐसे कंडीशन में ओमेगा का डायरेक्शन टूवर्ड्स द व्यूवर की तरफ होगा मतलब देखने वाले की तरफ होगा और अगर पार्टिकल का सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा अवे फ्रॉम द व्यूवर होगा कुछ इस तरीके से ये भी एक बात ध्यान रखना कि किसी भी सर्कुलर मोशन में ओमेगा का डायरेक्शन सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा अगर तुमको मोशन एंटी क्लॉक दिखाई पड़ रहा है तो टूवर्ड्स द वीवर क्लॉक वाइज अवे फ्रॉम द वीवर तो ये तो हो गया ओमेगा का डायरेक्शन मगर ओमेगा का पूछा कहाँ गया है हमसे तो पूछा गया अल्फा का तो अल्फा का डायरेक्शन अल्फा की बात तभी आएगी जब ओमेगा में क्या होगा चेंज होगा और चेंज ओमेगा में दो ही हो सकता है इंक्रीज या डिक्रीज अब ये ओमेगा मुझको इंक्रीज करना है तो ओमेगा इंक्रीज तभी ना होगा वेलोसिटी और एक्सेशन का संबंध जानते ही हो ना ये वेलोसिटी इंक्रीज तभी होगी जब अल्फा इसके एलोंग होगा और अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा इसके ऑपोजिट होगा लेकिन होगा इसके अलोंग ही तो अल्फा का डायरेक्शन भी ओमेगा के अलोंग होता है उसके तरफ भी, भी हो सकता है उसके अपोजिट भी हो सकता है डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है सेमीजियर अगर अल्फा इस तरफ से है तो ओमेगा इंक्रीज कर रहा होगा अल्फा अगर इस तरफ है तो ओमेगा डिक्रीज कर रहा होगा तो अल्फ़ा भी जो होता है वो सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है क्लॉकवाइज भी हो सकता है एंटी क्लॉक भी ये डिपेंड करेगा ओमेगा इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है इस केस में ओमेगा इंक्रीज ओमेगा डिक्रीज इस केस में ओमेगा इंक्रीज ओमेगा डिक्रीज तो अल्फा का डन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर और एलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होता है ऑलवेज जिस एक्सेस के लॉन्ग रोटेशन हो रहा है पार्टिकल का बॉडी का उसी एक्सेस के लॉन्ग ओमेगा तुमको मिलेगा हमेशा ठीक है और उसका डायरेक्शन अल्फा का ओमेगा के लॉन्ग भी हो सकता है ओमेगा के अपोजिट भी हो सकता है डिपेंड करेगा कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है ठीक है तो ये इसका क्लियर आंसर है बेसिक्स है एकदम एकदम फंडामेंटल चीज़ें हैं है सब एकदम बेसिक्स है जो हमको पता होना चाहिए फर्स्ट इज करेक्ट आंसर चलेंगे सिक्सटींथ की तरफ टू इट फास्ट तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ की तरफ फिफ्टीन क्वेश्चन जो कि अगेन एक एक स्टेटमेंट जो पहला स्टेटमेंट है वो डुबल नेचर चैप्टर से लिया गया है फोटोलेक्ट्रिक से है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सेमीकंडक्टर चैप्टर से लिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बार बार कहता हूँ उसको थोड़ली अच्छे से पहले एन में लिखी सारी बातों को पढ़ लेना है फिर बाद में उसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है सबसे अच्छी आ, कह सकते हो कि कंटेंट मटेरियल सेमीकंडक्टर में अगर तुम्हें कहीं मिलेगी तो तुम्हारी एन सी आर टी की बुक नंबर एक पर है उसके बाद ही कहीं पर कोई भी नोट्स या बुक उसको फॉलो करना लेकिन मेक श्योर कि पहले एन सी आर टी अच्छे से पढ़ लिया है सेमीकंडक्टर चैप्टर का वहाँ से क्वेश्चन बहुत तुमको मिलेंगे ठीक है पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं <coughs> कह रहा है कि गिवेन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट हमको दिए हैं हमको चेक करना है कौन सही है कौन गलत है सिंपल सा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन कह रहा है कि द फोटोल्टैक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी फोटो वोल्टैक डिवाइसिस क्या होते हैं अब फोटो वोल्टैक डिवाइसेस हम लोग जब पढ़ेंगे फ़ोटोलैक्ट्रिक एमिशन तो वह हम लोग को बताया जाएगा कि इसमें हम लोग करते क्या है? कि एक डिवाइस है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के प्रिंसिपल पर फंक्शन करता है इस पर जब इंसिडेंट रेडिएशन हम लोग भेजते हैं एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी या सुटेबल वेवलेंथ की तो इससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है ठीक है बशर्ते वो जो रेडिएशन है वो एक सुटेबल वेवलेंथ की होनी चाहिए अगर ये चैप्टर भी तुमको पढ़ना है तो ये चैप्टर भी इस चैनल पे मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया है मैं इस चैप्टर का भी लिंक तुमको शेयर कर दूँगा ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है क्या कहानी है सब कुछ तुमको मिल जाएगा ठीक है तो अब इस इलेक्ट्रिक इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके वी कैन फॉर्म द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिक करेंट को हम लोग फॉर्म करते हैं तो यही एक फोटो वोल्टाइक डिवाइस का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आने वाले रेडिएशन को यूज करके वी कैन फॉर्म द इलेक्ट्रिसिटी तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि यस द फोटो वोल्टाइक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल सच बात है कोई दिक्कत नहीं है सेकेंड कह रहा है कि दीना डायोड इज डिजाइंड टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन तीन शब्दों पर फोकस करना पहला डायोड दूसरा ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस और तीसरा इन ब्रेकडाउन रीजन हम लोग जब पढ़ेंगे पीएन जंक्शन के एप्लीकेशन कहाँ कहां पी एन जंक्शन डाइट को हम लोग यूज कर सकते हैं तो उससे बताया जाएगा कि ये तो इसका फॉर्ड कैटिस्टिक्स होता है ये रिवर्स कैटिस्टिक होता है तो बच्चों जो ये वाला पोर्शन तुम देख रहे हो ना यही ब्रेकडाउन रीजन है यहीं पर डायोड का क्या होता है <coughs> 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 सॉरी यहीं पर डायोड में क्या होता है ब्रेकडाउन हो जाता है ठीक है अब ब्रेकडाउन क्या होता है पूरा प्रोसेस समझेंगे हम लोग बाद में तो दिस इज़ द ब्रेक डाउन रीजन तो ब्रेक डाउन रीजन ये हो गया और ये रिवर्स बायस का है ये है तो रिवर्स बायस भी सही है रिवर्स बायस ब्रेक डाउन और जब पी एन जंक्शन इस रीजन में काम करता है तो उसको बोलते हैं जीरो डायोड इसका बेसिकली जो काम होता है जीरो डायोड का हम लोग इसका यूज़ एज अ वोल्टेज रेगुलेटर में हम लोग करते हैं वोल्टेज को कंट्रोल करने में रेगुलेट करने में तो वोल्टेज रेगुलेटर में हम लोग जब जायट का यूज़ करते हैं तो वो रिवर्स बहस में होता है और वो अपने ब्रेक डाउन रीजन में होता है जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करेंट तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है मगर जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज है वो लगभग कांस्टेंट रहता है तो लगभग कांस्टेंट वोल्टेज पे या बहुत हल्के से चेंज पे करेंट बहुत तेजी से चेंज करती है तो इसी रीजन को हम कहते हैं द ब्रेकडाउन रीजन ये रिवर्स बैस में होता है और इस कंडीशन में जब पी जंक्शन को हम यूज़ करते हैं तो उसी को हम कहते हैं द जिनर डायोड। ठीक है तो स्टेटमेंट टू भी बिल्कुल सही है तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं तो स्टेटमेंट जो दूसरा ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट इज करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो ये तो हो गया क्वेश्चन 15th चलेंगे 16th की ओर इसे कर लो पहले दो इपास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 17th है इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था वो 16 था वो गलती से 15th ही रह गया था तो 16 क्वेश्चन डन चलते हैं 17 की तरफ 17 क्वेश्चन क्लास 12th चैप्टर वन दैट इज गॉसस थ्योरम गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस ये सब सुना होगा वहीं से इस क्वेश्चन को उठाया गया है तो अब किसी क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये तो फॉर्मूला हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं किसी क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस याद है ना द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इन साइड द सर्फेस ऐसा हम पढ़ते हैं कि किसी क्लोज सर्फेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उसके अंदर के चार्ज का वन अपॉन एप्सॉन टाइम्स होता है इस थ्योरम को बोलते हैं दिस थ्योरम इज कॉल्ड द गोसेस थ्योरम ठीक है, है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेहद ही पॉपुलर लॉ है सब इसको अच्छे से जानते हैं अब इसी थ्योरम से एक स्टेटमेंट को चूज कर लिया अब कह रहा है किसी क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो है। e का मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटे सरफेस का और इंटीग्रेशन कर दिया एस मतलब पूरे क्लोज सरफेस पर तो जीरो आ गया तो उस थ्योरम के हिसाब से अगर हम लोग जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस ज इक्वल टू जीरो इट इम्प्लाइज दैट कि उस सर्फेस के अंदर का टोटल चार्ज भी कहता है जीरो है है ठीक है? <coughs> तो यहां से यह बात समझ में आ गई कि उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो जीरो है नेट चार्ज जीरो है इसका ये मतलब कभी नहीं होता है कि उसके अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है चार्ज हो सकते हैं कुछ प्लस कुछ माइनस भी हो सकते हैं लेकिन जो नेट वैल्यू है वो जीरो होगी ठीक है तो नेट शब्द पे ध्यान रखना टोटल शब्द पे ध्यान रखना अंदर नेट चार्ज इज जीरो प्लस मैस अगर होगा तो ऐड भी करोगे इट विल गेट द अब इस स्टेटमेंट से कुछ ऑप्शंस दिए हैं आपको चुनना है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द सर्फेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म अगर हमारा क्लोज सर्फेस है और उसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो है इसका इस बात से क्या रिलेशन है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और ऊपर से एक शब्द और लिख दिया है बड़ा भारी शब्द लिखा है और वो शब्द है नेसेसरली यूनिफॉर्म मतलब होना ही होना है तो ये सब बहुत हैवी वर्ड हो नेसेसरली मस्ट ऑलवेज नेवर ये हमेशा मैं कहता हूँ कि ये बहुत हैवी वर्ड्स है जब ये आए तो ध्यान से थोड़ा बात समझ में हुई जब ये किस स्टेड में होते हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं हो सकता है कि इसके अंदर यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो हो सकता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है मगर अगर ये कहोगे कि नेसेसरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म तो ये बात सही नहीं है तो नेसेसरली यूनिफॉर्म वाली बात होने की वजह से दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट ठीक है अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा भी तो भी जीरो हो सकता है फ्लक्स ऐसा कोई बात नहीं है ठीक है पूरे सरफेस का फ्लक्स निकाल लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और यहां पे कुछ और यहां पे कुछ और क्या फर्क पड़ता है और नॉट नेसेसरली की सरफेस भी स्फेरिकल हो और तुमको समझाने के बना दिया कई क्वेश्चन में लिखा है कि सरफेस का नेचर कैसा है स्फेलिकल क्यूबिकल ओवल कुछ लिखा है कुछ लिखा है तो हम नहीं कह सकते इस तरीके से कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी ही होनी है नेसेसरली यूनिफॉर्म नहीं कह सकते रॉन्ग है द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सर्फेस जितनी भी फ्लक्स लाइन्स सर्फेस के अंदर एंटर कर रही हैं मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लिविंग द सर्फेस कुछ इस तरीके से <coughs> दो दी शब्दों पर गौर करते हैं ठीक है द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सर्फेस सर्फेस में जो फ्लक्स लाइन्स एंटर कर रहा है उसकी बात हो रही है मस्ट बी येवी वर्ड है आगे एक और हैल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लिविंग इट मतलब जितनी फ्लक्स लाइन्स एंटर करें उतनी फ्लक्स लाइन्स बाहर भी जाए और होना ही चाहिए मस्ट बी ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि जब भी इक्वल नंबर ऑफ लाइंस होंगे जितने इंटर के उतने बाहर निकले तभी तो नेट फ्लक्स जीरो हो सकता है एक जगह फ्लक्स तुम्हारा पॉजिटिव होगा एक जगह फ्लक्स तुम्हारा निगेटिव होगा एंड नेट फ्लक्स विल ओनली बिकम जीरो जब दोनों तरफ से फ्लक्स लाइन्स नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स इक्वली एंटर करें इक्वली बाहर जाए और ये मस्ट भी हमेशा इसमें कोई डाउट नहीं है ये मे भी नहीं है मस्ट भी ऐसा होना ही चाहिए तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट फिर क्या द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्फेस इज कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सर्फेस पर कॉन्स्टेंट है तो उसका फ्लक्स के जीरो होने से कोई मतलब नहीं निकलता है तुम तो कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते इससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट भी कांस्टेंट अगर होगा तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगी फ्लक्स का जीरो होना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे कंडीशन में तो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं भी है तो भी तुमको कोई कंडीशन मिल सकती है ठीक है तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्फेस इज़ कॉन्स्टेंट ये बिल्कुल सही बात नहीं है इसके वजह से फ्लक्स ज़ीरो होने का चांस नहीं हो सकता तो ऑप्शन नंबर थ्री इज़ इन करेक्ट वैसे राइट आंसर मिल गया है. फिर भी चेक कर लेते हैं ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सर्फेस अगर सब चार्ज अंदर सरफेस के होगा तो तुम्हारा क्यू इन ज़ीरो का को हो होगा और क्यू इन ज़ीरो अगर नहीं होगा तो फ्लक्स जीरो क्यों होगा ये तो वैसे भी गलत है अगर ये से बोलता कि ऑल द चार्जेस ऑल द नेट चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड द सर्फेस सर्फेस के बाहर है तो बात हो सकती थी क्योंकि तो फ्लक्स अगर ज़ीरो है टोटल तो क्यू इन पक्का ज़ीरो होगा तो इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो हमेशा जीरो होना चाहिए और ये कह रहा है कि जो टोटल चार्ज है मस्ट बी इन साइड द सर्फेस सर्फेस के अंदर कैसे हो सकता है तो बिल्कुल गोसम के एकदम अपोजिट जा रहा है ठीक है तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत है तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट बहुत आसान क्वेश्चन था ये बेसिक्स अगर क्लियर है फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अब तक कितना क्वेश्चन सॉल्व किए एक का क्वेश्चन छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में होने वाले हैं लेस देन वन मिनट ठीक है बशर्ते उस तरीके से चीजों को तुम प्रिपेयर किए हो तो ठीक है चलेंगे टीम की तरफ डुइंग फर्स्ट अगला क्वेश्चन जो एटीन है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है और इसमें एक टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस तो कलर कोड से कैसे पहचानते हैं इस टॉपिक पर ये क्वेश्चन लिया गया है क्वेश्चन बहुत ही आसान है मगर एक बार ये पूरी कलर कोडिंग मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि तो हम लोग को बदल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अगर दूसरे क्वेश्चन भी उस टॉपिक से जुड़े हैं तो उसको हम कर सकें तो पहले काम करते हैं कि, कि किसी भी कार्बन रजिस्टर के लिए जो कलर कोडिंग होती है उस कोडिंग को देख कर लाइसेंस कैसे फाइंड करते हैं इसको समझते हैं फिर 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ठीक है चलो तो पहले कुछ कोडिंग को समझते हैं होता क्या है कि एक ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है बहुत छोटा सा इसको हम बोलते हैं कार्बन रजिस्टर इसके अंदर कार्बन भरा होता है और इसकी वैल्यू को पता लगाने के लिए इस पर कुछ कलरफुल स्ट्रिप्स होते हैं मतलब तो पट्टियाँ होती हैं या बैंड भी कह सकते हो इन कलरफुल स्ट्रिप्स या बैंड के कलर्स को देख करके अलग अलग कलर्स का तुमको बैंड मिलते हैं तो इन स्ट्रिप्स के जो कलर हैं बैंड्स के जो कलर हैं उस कलर्स को देख करके उनके ऑर्डर को देख कर के हम लोग इस कार्बन रजिस्टर के रजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो इसी को बोलते हैं कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टेंस बट उसके लिए कुछ कलर्स के लिए कुछ कोडिंग हमें बताई गई है वो कोडिंग हमको अच्छे से याद होना चाहिए तो ये लिख के समझा रहा हूँ मैं कोडिंग क्या होती है इनको नहीं याद है याद भी कर लेंगे और सीख भी लेंगे कि उस कोडिंग को यूज़ करके रजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं ठीक है पहले कलर के कोड क्या होते हैं वो सुन लो तो यहाँ लिखता हूँ मैं कलर और ये है कोड और ये है यहाँ लिखा मैंने मल्टी प्लायर ठीक है तो कुछ कलर्स को अलग अलग कोड दिया गया है अलग अलग मल्टीप्लायर के साथ उनको अरेंज किया गया है से कोडिंग कलर का ऑर्डर लिख लिया है पहले तो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज फिर आता है येलो फिर आता है ग्रीन फिर आता है ब्लू फिर आता है वॉयलेट फिर आता है ग्रे फिर आता है वाइट ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये इसी ऑर्डर में तुमको याद करना है अब किया क्या गया है बच्चों की हर कलर को कुछ कोड दिया गया है जैसे ब्लैक कलर को कोड दिया गया जीरो और मल्टीप्लायर रखा गया टेन टू पावर ज़ीरो ब्राउन के लिए कोड है वन और मल्टीप्लायर है टेन टू पावर वन अभी मल्टीप्लायर क्या समझाऊंगा अभी किस चीज़ का मल्टीप्लायर है रेड के लिए कोडिंग है टू एंड मल्टीप्लायर इज टेन टू पावर टू बस इसी क्रम में तुमको बढ़ते जाना है टेन टू पावर थ्री येलो के लिए फोर एंड टेन टू पावर फोर ग्रीन के लिए फाइव एंड कोडिंग इज टेन टू पावर फाइव ब्लू के लिए सिक्स कोडिंग इज टेन टू पावर सिक्स वॉलेट के लिए सेवन कोडिंग इज टेन टू पावर सेवन ग्रे के लिए एट मल्टीप्लाई 10 टेन टू पावर एट वाइट के लिए नाइन मल्टीप्लाई टेन टू पावर नाइन ठीक है इसके अलावा एक टॉलरेंस भी होता है कि जो हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं उसमें कितना पॉसिबल एरर हो सकता है तो गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर तो गोल्ड के लिए कहा गया है जो टॉलरेंस है वो फाइव परसेंट होगा सिल्वर के लिए टेन परसेंट और अगर कोई स्टेप नहीं है नो कलर है तो ये ट्वेंटी परसेंट अब तुमको ये है क्या है सर क्या इसका मतलब है किसका इससे क्या कनेक्शन है सुनो बस ये चीज याद रखना कैसे निकालते देखना पहले ये एक कार्बन स्टर है इस कार्बन स्टर के अंदर कार्बन भरे होते हैं और उसके वजह से इसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस हम फाइंड कैसे करेंगे उसके लिए इस पर कुछ कलरफुल बैंड्स होते हैं उन कलरफुल बैंड्स को देख करके और हर कलर के जो कोडिंग है उसको याद रखते हुए हम पता कर सकते हैं कि इस कार्बन एस्टेंस के अंदर जो कार्बन है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जैसे मैंने कहा ये है येलो रेड ब्लू और गोल्ड ठीक है येलो रेड ब्लू और गोल्ड तो जो पहले दो स्ट्रिप हैं लेफ्ट से लेफ्ट से फर्स्ट टू स्ट्रिप येलो और रेड ये दो स्ट्रिप जो होते हैं वो कोड को दिखाते हैं शुरुआत के जो तो कोड होते हैं वो कह सकते हो कि जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके फर्स्ट दो सिग्निफिकेंट फिगर को दिखाते हैं तो आ, येलो और रेड तो येलो की कोडिंग क्या है फोर और रेड पे क्या है टू तो ये क्या हो जाएगा फोर्टी टू ये दो हो गया फर्स्ट दो कलर फर्स्ट दो सिग्निफिकेंट फिगर जो थर्ड कलर है ब्लू वो मल्टीप्लायर को शो करता है तो ब्लू का मल्टीप्लायर कितना है टेन टू पावर सिक्स फोर्टी टू इंटू टेन टू पावर सिक्स ओम अब इसमें कुछ एरर की पॉसिबिलिटी भी होती है तो जो चौथी स्ट्रिप है गोल्ड वो बताएगा कितना इसमें एरर है तो गोल्ड कह रहा है फाइव परसेंट तो प्लस माइनस फाइव परसेंट इज द तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिप को देख करके कोडिंग फाइंड कर सकते हैं क्लियर है फिर बता दो पहले दो जो बैंड होते हैं वो पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर को शो करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से मिलेंगे जो कलर सी कोडिंग है वहाँ से हमको पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाएंगे जो तीसरा बैंड है वो हमको मल्टीप्लायर शो करता है तो मल्टीप्लाई कर दिया चौथा बैंड जो होगा वो हमको उस कैलकुलेशन में कितना एरर आएगा वो शो करता है अब इस चीज को यूज करके इस क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन करेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रेजिटर डिटरमाइन फ्रॉम कलर कोड इज दिस मच कलर कोड के हिसाब से इतना डिटरमाइन किया गया तो ये है ट्वेंटी टू थाउजेंड प्लस माइनस फाइव परसेंट सबसे पहले ट्वेंटी टू इसको टेन टू पावर थ्री में कर दो प्लस माइनस फाइव परसेंट ताकि चारों कलम को अच्छे से पता चल जाए पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर कोडिंग को शो करते हैं तो दो किसका है रेड का है तो पहला स्ट्रिप क्या होगा रेड दूसरा भी क्या होगा रेड टू और टू है तीसरा है मल्टीप्लायर पे थ्री तो मल्टीप्लायर पे थ्री कितना है ऑरेंज तो चौथा कलर क्या हो गया तुम्हारा ऑरेंज फाइव परसेंट पे कितना होता है गोल्ड तो तीसरा तुम्हारा बैंड हो गया ऑरेंज और चौथा तुम्हारा हो गया गोल्ड तो रेड रेड ऑरेंज गोल्ड ये कलर की स्ट्रिप रहेगी उस कार्बन स्ट्रिप में अब पूछा गया था हमसे द कलर ऑफ द थर्ड बैंड इज जो थर्ड बैंड है उसका कोड क्या होगा उस उसका कलर क्या है तो थर्ड बैंड का जो कोड है कलर है वो कितना है ऑरेंज तो ऑरेंज इज योर राइट आंसर ठीक है तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी गिवन वैल्यू के हिसाब से क्या उसका ऑर्डर होगा वो हम लोग पता कर सकते हैं इस पे तुमको मैं क्वेश्चन uh, दे रहा हूँ इसका आंसर सब कुछ क्योंकि मुझको इसको ऑब्जर्व करके कमेंट बॉक्स में बताओगे जैसे मालूम है लिखा फोर्टी सिक्स इंटू टेन टू पावर फोर प्लस माइनस टेन परसेंट इसमें कलर का जो ऑर्डर होगा वो तुम सबको बताना है कि अगर किसी कार्बन स्टर की वैल्यू हम लोग फोर्टी सिक्स इंटू टेन टू पावर फोर प्लस माइस टेन परसेंट लिखें तो सारे चार के चारों कलर का बैंड का ऑर्डर क्या होगा ये सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका मुझको आंसर देंगे ठीक है तो एटीन चलेंगे नाइनटीन की तरफ टू इट फास्ट अभी जो क्वेश्चन नाइनटीन है ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एक किसी <coughs> इंडक्टर कॉल में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो होता क्या है जैसे मान लो कि कोई एक इंडक्टर कॉयल है ठीक है इसको मैंने एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो होता क्या है कि जब इसमें करेंट डीसी करंट करेंट ही है मगर इसको भी कुछ वक्त लगता है ग्रो होने में ठीक है उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाती है तो जब डीसी करंट जब डीसी इसमें से फ्लो करेगा करंट इसमें से शुरू करेगा ग्रो करना तो इसमें इंड्यूस करंट आएगी और हम सब जानते हैं लो के हिसाब से इंड्यूस करंट जो होता है वो अपने कॉस का अपोज करता है तो जो इसमें मेन करंट है वो जैसे ही सेटअप होगी इंड्यूस उस उसमें करेंट का अपोज करेगा तो बैटरी क्या करेगा मेन करेंट को सेटअप करने में कुछ एनर्जी खर्च करेगा नहीं तो इंड्यूस करेंट उस मेन करेंट को सेटअप नहीं होने देगी तो बैटरी यहां पर पे आएगा और मेन मेन को को इंड्यूस करेंट के अगेंस्ट सेटअप कर देगा तो मेन करेंट को इसमें सेटअप करने में इस बैटरी को कुछ एनर्जी खर्च करनी होती है यह हर जगह होता है किसी भी कॉल में अगर हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो जैसे उसमें मेन करंट हल्का सा भी ग्रो करा तुरंत इंड्यूस करंट आ जाएगा तो जब तक बैटरी मेन करंट को हेल्प नहीं करेगी वो सेटअप नहीं हो सकता तो इसमें बैटरी एनर्जी खर्च करती है वही एनर्जी इसमें जाकर के स्टोर हो जाती है जिसको कहते हैं उसकी मैग्नेटिक एनर्जी उसी के यहां पर क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल है, है वन बाई टू एल इन टू आई नॉट स्व आई नॉट क्या है जो डीसी जो है वो जो मेन करंट है वो जब सेटअप हो जाती है जो कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेती है वो आई नोट की वैल्यू है तो सेटअप करनी कितनी करंट सेटअप करनी है हमको टू एम है एल हमको इसमें दिया हुआ है ठीक है तो वन बाई टू एल इज फोर माइक्रो हेनरी है तो टेन टू पावर मैं सिक्स कर दिया और आई नोट इज टू एम दैट इज फोर तो एट इन टू पावर माने सिक्स जूल दैट इज एट जूल। तो एट जूल इज योर राइट आंसर ठीक है तो व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इस दिस फॉर्मूला इस फॉर्मूला को देखना किसी भी इंडक्टर कॉयल में कितनी एनर्जी स्टोर होती है और एनर्जी कहाँ से आती है वर्क डन बाय द बैटरी क्यों आती है क्योंकि इंड्यूस करेंट के अगेंस्ट बैटरी को वर्क करना पड़ेगा अदरवाइज जो मेन करंट है वो सेटअप नहीं हो पाएगी ठीक है तो ये जो वर्क डन बाय बैटरी है वही इस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होते तो किसी भी इंडक्टर कॉयल में स्टोर्ड एनर्जी इज दिस मच ठीक है तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर पंद्रह से बीस तीस सेकेंड का ये क्वेश्चन था इतने ही टाइम में हमको एग्जाम भी करना होगा ऐसे क्वेश्चन ठीक है चलेंगे ट्वेंटी की तरफ डू इट फास्ट चलते क्वेश्चन ट्वेंटी की तरफ क्वेश्चन ट्वेंटी लिया गया है ऑल्टरनेटिंग करेंट नाम के चैप्टर से और उस चैप्टर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी या एल सर्किट का रेजोनेंस वहाँ से स्टॉप इस क्वेश्चन को लिया गया हाँ ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं एक्चुअली क्वेश्चन बना कहाँ से है तो हम लोग जब ऑल्टरनेटिंग करेंट में सीरीज एल सर्किट पढ़ते हैं तो वहीं से एक रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आता है उसको समझते हैं फिर क्वेश्चन फटाफट फ़ड़ सॉल्व हो जाएगा ठीक है एक एल सर्किट में इंडक्टेंस से क्या मिलता है मुझको देता है एक्सीटेंस क्या देता है हमको रेस्टेंस किसी एल सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है इंपीडेंस अगर फॉर्मूला याद हो इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू तो क्या था उसका फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी डिफरेंस एक्सएल का होल स्क्वायर ये किसी भी एल्सिया सर्किट का इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है ये तो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है बाकी हम सब जानते हैं कि एक्सी की वैल्यू क्या होती है वन बाई ओमेगा सी और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है ओमेगा इन टू एल तो ये दोनों वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है एक्सी और एक्सएल तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाती है जिसके वजह से इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है जिसके वजह से करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है उस फ्रिक्वेंसी को ही कहते हैं हम लोग द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है जिस पे और एक्सएल आपस में इक्वल हो जाते हैं सर्किट का जीरो भाई अगर ये इक्वल होंगे तो ये पार्ट तुम्हारा क्या होगा जीरो होगा इंपिडेंस के तौर पे सिर्फ क्या बचेगा आर दैट विल बी मिनिमम उससे कम नहीं हो सकता और अगर जेड मिनिमम है तो करेंट की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम तो जिस फ्रीक्वेंसी पर किसी भी एलसीआर सर्किट में करेंट मैक्सिमम होता है वही फ्रीक्वेंसी कहलाती है रिजोनटिंग फ्रीक्वेंसी इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इस फ्रीक्वेंसी पर जो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस है वो ज़ीरो होता है मतलब करंट और वोल्टेज जो होते हैं वो सेम फेज में चलते हैं कुछ इस तरीके से तो रेजोरेटिंग फ्रिक्वेंसी की ये चार प्रॉपर्टी इस बात को ध्यान रखना एक्सी इज एकवल टू एक्सएल होगा Z की वैल्यू मिनिमम होगी I की वैल्यू मैक्सिमम होगी करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे ये चारों की चारों कंडीशन एक ही फ्रीक्वेंसी पर हमको मिल जाती है उसी फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं एलसीआर सर्किट की रिजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी उसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है तो उस फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये वन अपॉन टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ठीक है पुट कर देते हैं। तो वन अपॉन टू पाई एज इट इज एल क्यूल्यू दी है हाउ मच इज एल एल इज टेन मिली हेनरी कैपेसिटर इज वन माइक्रोफेरेट आर इज इक्वल टू हंड्रेड ओम फिलहाल हम इसका कोई मतलब नहीं है तो एल इज इक्वल टू टेन मिली हेनरी मतलब मिली हेनरी को हैंनी में चेंज किया टेन टू पावर माइनस टू ठीक है और वन माइक्रोफेरेट कितना होगा टेन टू पावर माइनस सिक्स तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन टू पावर फोर अपॉन टू बाई तो टेन थाउजेंड बाई टू किया तो कितना हो जाएगा ये फाइव थाउजेंड पाई इस ट्वेंटी टू इंटू सेवन ऊपर चला गया अब इसको सॉल्व करके चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है ठीक है और बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है ट्वेंटी वन की तरफ चलेंगे डू इट फास्ट